Good morning, student of 5th class. Now we are going to discuss of the question number 8. Complete the given shapes in such a way that we get the area as given above it. 1 area, 1 centimeter into 1 centimeter. Okay. So first 10 square centimeter. 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होने के लिए क्या करना चाहिए? टोटल 10 घर होना चाहिए. ओके, तो 10 घर हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक बार देख लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, और हाफ कितना है? 1 2 3 4. 4 मीन्स 2 होता है, तो 8 प्लस 2 10 हो गया. देखो 10 मिल गया. आफ्टर दैट कैसे कवर किया? पूरा इधर तक लाइन पहले था और दूसरे हमने ड्रॉ किया एक्स्ट्रा ये. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर नेक्स्ट इन दिस पिक्चर सेकेंड नंबर में 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. हाउ टू ड्रॉ द 4 स्क्वायर सेंटीमीटर? एट फर्स्ट वॉच ओवर दिस पिक्चर. जहाँ पर लाइन पहले ही था, देखो इधर से इधर तक ये वाला लाइन पहले था, तो हमको ये वाला ड्रॉ करके इधर जोड़ना है, नीचे वाला नहीं करने का है ना. तो देखो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो रहा है कि नहीं देख लो. 1 2 2 घर आ गया, और हाफ कितना है? 1 2 3 4. 4 मीन्स 2 घर हाफ है, और 2 फुल. 2 2 2 प्लस 2 4 हो गया. ओके, ऐसे ही आपको ये भी करना है. 2 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे करोगे? देखो 1 हाफ 2 हाफ मीन्स 1 घर कंप्लीट हो गया. 2 घर कंप्लीट करना है तो और भी इधर हाफ हाफ लेना है. देखो 1 2 3 4. 4 हाफ मीन्स 2 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज. इन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42, अरेंज 6 शेप हैविंग 6 स्क्वायर इन डिफरेंट वे ऑन द ग्रिड, देन फाइंड द एंड राइट देयर एरियाज. ओके, जैसे देखो 6 डिफरेंट वेज में 6 स्क्वायर अरेंज 6 शेप हैविंग 6 स्क्वायर. ओके, 6 स्क्वायर 6 शेप ड्रॉ करना है जिसका स्क्वायर होगा 6. ओके, इन ग्रिड लाइन में डिफरेंट वे में एंड राइट देयर एरिया. जैसे एक ड्रॉ किया हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6. आफ्टर ऐसे ही 6 एरिया होगा, ऐसे ही आपको दूसरे शेप ड्रॉ करना पड़ेगा. जैसे मैं और एक करता हूँ, देखो 3 3 ले लो तो 6 हो जाएगा. सॉरी थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई, लेकिन आप सीधा ड्रॉ करना ऐसा. ओके, तो ये इसका नाम दे दो, ये ए नंबर है. ऐसा 6 ड्रॉ करना है, मतलब ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर का कितना हुआ, ये भी 6. 1 नंबर में a इक्वल टू 6, इसको नाम दे दो b, तो ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर में b इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. ऐसे ही आपको इधर भी ड्रॉ करना है, इधर भी ड्रॉ करना है, टोटल 6 ड्रॉ करना है. ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वेश्चन नंबर 10 ए रेक्टेंगल ऑफ 8 स्क्वायर सेंटीमीटर इज गिवन बिलो. ओके, ये जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन बिलो. ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन एंड डिवाइड द रेक्टेंगल इनटू 1 स्मॉल रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल्स ट्रायंगल्स. फाइंड एंड राइट द एरिया ऑफ न्यू शेप्स फॉर्म. तो क्या करना है स्टूडेंट्स, ए रेक्टेंगल ऑफ 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका एरिया कितना है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, इज गिवन बिलो. ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन एंड डिवाइड द रेक्टेंगल. 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. ओके, एंड डिवाइड करना है रेक्टेंगल को इनटू 1 स्मॉल रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्रायंगल.
one small rectangle and two equal triangle. Okay, find and write the area of the new shape. तो टू ड्रॉ लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये आ गया वन लाइन स्ट्रेट लाइन, आफ्टर ऐसे एक हो जाएगा टू स्ट्रेट लाइन. ओके, तो स्टूडेंट्स इधर जो न्यू शेप्स है, देखो एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल कितना होगा. न्यू रेक्टेंगल का देखो, ये जो रेक्टेंगल बनी है इसका एरिया क्या होगा, 4 square centimeter, क्योंकि 1 2 3 4 है तो 4 square centimeter. एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, देखो अगर ये जो लाइन है, लाइन के दो साइड में इक्वल ट्राइंगल है, तो ये इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो. 1 में कितना बॉक्स है, 1 2 2, के बाद में 1 2 3 4, मतलब इधर 2 फुल है और कितना हाफ है, 2 फुल और 4 हाफ, मतलब 2 हो जाएगा, 4 होएगा जाएगा टोटल 4 square centimeter. और दूसरे ये भी सेम है तो 4 square centimeter हो जाएगा. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, इन क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैज मोर पेरीमीटर, टिक इन द बॉक्स. जिसका पेरीमीटर ज़्यादा है उसको क्या करना है, टिक करना. आपको पिक्चर देख के समझ में आ गया होगा. बेड का पेरीमीटर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा बुक से, तो इसको टिक करो. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 12, इन क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड एंड राइट द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द शेप एंड शेप गिवन बिलो. Find and write the area of the shaded part of the shape of the given below. जो shaded part है इसका area कितना होगा, ये नीचे इधर लिखना है. ये shaded portion का area क्या होगा, इधर लिखना है. Okay? देखो shaded portion का area क्या होगा, 1 2 3 4 है तो 4 square centimeter. आफ्टर ये भी होगा, देखो कितना फुल बॉक्स है, पहले काउंट कर लो, 1 2 3 फुल बॉक्स है और 1 2 3 हाफ बॉक्स है. तो 2 हाफ बॉक्स के लिए 1, तो टोटल फुल हो गया 4, तो 4.1 रह गया, मतलब ये 1 का हाफ क्या होता है, 0.5, तो लिखना है 4.5 square centimeter. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. इन क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड एंड राइट द एरिया ऑफ द शेप गिवन बिलो. फाइंड एंड राइट द एरिया ऑफ द शेप गिवन बिलो, नीचे जो शेप दिया हुआ है इसका एरिया फाइंड करना है. कितना एरिया होगा इसका, कितना बॉक्स से ये काउंट कर, कितना बॉक्स कवरिंग हुआ है ये काउंट करके आप लिख दो इधर. जैसे फर्स्ट है 1 2 3 4 5 6, तो आपको क्या लिखना है, ए में 6 square centimeter. ओके, नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5, तो आपको क्या लिखना है इधर, बी में 5 square centimeter. ओके, आफ्टर सी में 1 2 3 4, तो आपको इधर लिखना है 4 square centimeter. डी 1 2 3 4 5 6, तो इधर डी में क्या लिखना है, 6 square centimeter. ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर क्या लिखना है, 9 square centimeter. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट योरसेल्फ, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स. वॉट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड लेंथ 4 centimeter. पेरीमीटर क्या होगा एक स्क्वायर का जिसका साइड 4 centimeter, तो पेरीमीटर 4 सेंटीमीटर एक साइड का है, तो चार साइड का क्या होगा, 4 into 4 सेंटीमीटर, मतलब
मतलब 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही आपको 2 नंबर 3 नंबर ये सारे खुद को करना है दिमाग से, 4 नंबर एंड ऑल्सो 5 नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इट इज होमवर्क फॉर यू। ओके, डू इट प्रॉपरली इन योर कॉपी। ओके,